मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 से क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपको पहले बता दूं कि इसको समझने के लिए आपको मध्य बिंदु परिमेय आनी चाहिए। मध्य बिंदु परिमेय में आपको दो बिंदु दिखते हैं, एक 8.8 एंड दूसरा 8.9। 8.8 कहती है कि कोई भी त्रिभुज होगा जो जिसके दो भुजाएं, जैसे आप देखिए त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होंगी, 1, 2, 3। कलर चेंज कर लेते हैं, 1, 2, 3। तो देखिए, अगर एक मध्य बिंदु से एक भुज की मध्य बिंदु से कोई विकर्ण तीसरी भुजा के समांतरण खींची जाती है, ठीक है, समांतरण खींची जाती है तो वो क्या होगी, या फिर आप अलग चीज़ से देखिए क्या कहती है 8.8 कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से होती हुई एक रेखा खींची जाती है तो वो तीसरी भुजा के समांतरण होगी। देखा आपने कि एक पहले से हमारे पास तीन भुजाएं हैं, कौन कौन सी, एक ये वाली भुजा, एक ये वाली भुजा, इनके मध्य बिंदुओं पर मध्य बिंदु हमने दो खींचे और दोनों को आपस में मिला दिया, तो ये जो नई लाइन बनेगी बीच में, ये इस तीसरी लाइन के जो नीचे वाली आपको तीसरी भुजा दिख रही है, इसके समांतरण होगी। अब समांतरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, समान प्लस अंतर, समान अंतर, तो जिनके बीच में समान अंतर होगा उसी को कहते हैं समांतर, समांतर, ठीक है। तो ये बीच में जो डिफरेंस है इन दोनों के इक्वल रहेगा। अगर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर का गैप रहेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इस पूरे कोने के अंदर 2 सेंटीमीटर का ही वो अंतर रहेगा। एंड सेकंड चीज़ जो है वो हम कह सकते हैं कि 8.9 से, 8.9 कहती है, 8.9 जो कहती है वो यह कहती है कि ये जो नई रेखा बनी है, ये जो नई रेखा बनी है ये इस तीसरी वाली की, ये जो नई रेखा बनी है इस तीसरी वाली के हाफ होगी। क्या होगी? हाफ। चौमिन वगैरह सब खाते हैं, हाफ प्लेट एंड फुल प्लेट सबको पता है, हाफ का मतलब आधी, हाफ का मतलब आधी। तो क्या है कि जो तीसरी रेखा है इसके ये क्या होगी? आधी होगी। आप चाहे एक पेज को पाड़ कर देख सकते हैं, उस पर आप सेंटीमीटर्स लीजिए, उसको काटिए और आप देखेंगे कि इसके तकरीबन हाफ ही होता है। तो ये अगर आपको ये वाली थ्योरम आती है, ये वाली परिमेय आती है मध्य बिंदु परिमेय, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। एंड सेकंड हमारी आते हैं विलोम मध्य बिंदु परिमेय, विलोम मध्य बिंदु परिमेय, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 के अंदर काम आने वाला है। सो उससे पहले देखिए आप इस क्वेश्चन को आप करते हैं। देखिए कह रहा है कि एक ABCD एक समचतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS इन रेखाओं के, ये जो चार रेखाएं दिख रही हैं चतुर्भुज की, भुजाएं दिख रही हैं, इसके मध्य बिंदु हैं कौन सा? AB, BC, CD और DA के। AB का P है, BC का Q है, CD का R है और DA का S है, मध्य बिंदु दे रखे हैं। AC उसका एक विकर्ण है। अब देखिए आपको एक विकर्ण भी दे रखी है, आपको ये एक विकर्ण दे रखी है और इसी के हिसाब से अब हमने तीन इसके पार्ट्स हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। सो इनको अलग अलग पेजेस पर करेंगे। अभी यहाँ पर हम इसकी ब्रीफ डेफिनेशन लेते हैं, इसको समझते हैं। अब देखिए ये जो विकर्ण आपने यहाँ पर देखी, ये विकर्ण यहाँ पर दो ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड कर दे रही है, एक ये ऊपर वाला ट्राइंगल और एक ये नीचे वाला ट्राइंगल, ये वाला। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ACB और ACD। आप या तो इसको वैसे ले लें या फिर आप दो काउंटर कैसे कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे दो ट्राइंगल ले सकते हैं। आप ले सकते हैं ADC, त्रिभुज ADC एंड त्रिभुज ABC। आप ऐसे दो त्रिभुज ले लीजिए, यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला, ये दो त्रिभुज जब आप ले लेंगे तो इसी के आधार पर आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। अब जैसा कि मैंने बताया मध्य बिंदु परिमेय, तो मध्य बिंदु परिमेय में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मध्य बिंदु परिमेय अप्लाई होता हुआ दिख रहा है कि ये एक हमारा त्रिभुज है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो भुजाएँ हैं, एक DC, एक AD और एक AC, ये तीन भुजाएँ आपको दिख रही हैं, ठीक है, ये तीनों अलग अलग हैं। अब यहाँ पर देखिए DC के ऊपर आपको ये मध्य बिंदु दिख रहा है और यहाँ पर AD के ऊपर आपको S मध्य बिंदु दिख रहा है,
तो हम कह सकते हैं कि डी सी जो है दो बराबर भागों में बटी हुई है, डी आर बराबर आर सी, और यहाँ पर ए डी जो है, ए डी जो है ये बटी हुई है डी एस और एस और एस ए, ठीक है। तो ऐसे ये देखिए दो बराबर भागों में बटी हुई है। अभी हमने 8.8 देखी, 8.8 देखी जो यह कहती है, जो यह कहती है कि यदि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर कोई रेखा खींची जाए तो वह दूसरी वाली के क्या होगी, तीसरी भुजा के समांतरण होगी, और यही यहाँ पर कह रहा है कि एस आर ए सी के समांतरण है। यहाँ से 8.8 आपने क्या लिखना, आपने एस आर बराबर सॉरी पैरेलल पैरेलल समांतरण ए सी, इसके साथ में कारण लिख देना है 8.8। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। एंड सेकंड चीज देखिए कह रहा है कि एस आर बराबर है 1/2 ए सी के, तो ए सी के हमने अभी भी बात करी कि तीसरी भुजा, ये ए सी हमारी क्या है, तीसरी भुजा है। जो तीसरी भुजा है तो हम क्या कहेंगे कि एस आर कलर चेंज करते हैं, एस आर बराबर 1/2 ए सी, तो इसका कारण क्या आ जाएगा 8.9, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 8.9 कहती है कि यदि कोई नई भुजा बनती है तो वो तीसरी भुजा के आधी होगी, ठीक है। तो ऐसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो यही इसका आंसर है सिर्फ, एस आर बराबर 1/2 ए सी 8.9। आप जो डिस्प्ले पर दिख रहा है इसको लिख सकते हैं साथ में, और ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में करेंगे सॉल्यूशन, सेकंड में आप लिखेंगे सॉल्यूशन सोल या फिर हल, उसके बाद में आप हल करना चालू कर देंगे कि पी क्यू बराबर एस आर। अब कैसे, पी क्यू यानी कि ये वाली जो रेखा है, ये वाली इसके समांतरण दर्शानी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अभी हमने देखा कि एस आर बराबर था 1/2 ए सी के, अब हम पी क्यू, अब देखिए हमारा दूसरा जो त्रिभुज है, हमारा जो तीसरा त्रिभुज है ये वाला ए बी सी, अब ए बी सी में क्या है कि ए बी की पी और क्यू, पी और क्यू या फिर हम कैसे, हाँ पी और क्यू मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं किसके, ए बी और बी सी के, ए बी और बी सी के क्या है, मध्य बिंदु हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं यदि ये मध्य बिंदु है, यदि यह मध्य बिंदु है तो ये जो रेखा है ये इसके क्या हो जाएगी, समांतरण, तो पी क्यू समांतरण हो जाएगी हमारे ए सी के, और यदि ये समांतरण है किससे, 8.8 से, तो ये पी क्यू बराबर बराबर 1/2 ए सी क्यों, 8.9 से, 8.9 से। अब देखिए यहाँ पर पी क्यू बराबर 1/AC आ गया, 1/2 AC, और वहाँ पर हमारा अभी क्या आया था, ये वाला एस आर बराबर 1/2 AC। यदि दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि एस आर बराबर 1/2 AC बराबर बराबर पी क्यू। अभी हमारा ये वाला आया और पहले हमारा ये वाला आया था, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं यदि ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एस आर बराबर पी क्यू, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है, ओ उसका थर्ड पार्ट है, सॉरी थर्ड पार्ट कह रहा है कि ये पूरी जो फिगर है ये एक समांतरण चतुर्भुज है, ये समांतरण चतुर्भुज है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक नई विकर्ण बना लेंगे हम, बी डी हमने एक विकर्ण बना ली। अब देखिए यदि बी डी जो है एक विकर्ण बन जाती है तो ऐसे ही हमारा जो है डी सी के ऊपर आर और बी सी के ऊपर क्यू हमारा का मध्य बिंदु बन जाता है, तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन आर एवं क्यू मध्य बिंदु हैं किसके डी सी और बी सी के। पहली लाइन ये लिख दी। अब इस लाइन लिखने के बाद आपने क्या लिखना है, ये लाइन लिखने के बाद क्या लिखना है आपने, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये रेखा हमारी नई आ चुकी है कि आर क्यू बराबर पैरेलल समांतरण डी बी 8.8 सेकेंड आर क्यू बराबर 1/2 बी डी 8.9। देखिए ये आ गया एक,
वन अपॉन टू बी डी, कलर चेंज कर कर लिखते हैं, आर क्यूब बराबर वन अपॉन टू बी डी। ठीक है, एक ये चीज़ आ गई हमारी। अब सेकंड चीज़, अब देखिए यहाँ पर जब त्रिभुज बन रहा है तो ये त्रिभुज यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए पी और एस जो है ए बी और ए डी के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। तो जो हमारी एस आर है ये पैरेलल हो जाएगी, समांतरण हो जाएगी बी डी के, या डी बी कह लो या बी डी कह लो, एक ही बात है। 8.8 और यहाँ पर एस आर इक्वल हो जाएगा 1/2 डी बी 8.9। अब देखिए यहाँ पर ये वाली भी 1/2 ए डी के बराबर आ गई, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एस पी बराबर आर क्यू बराबर 1/2 डी बी डी। ठीक है, अब देखिए ये दो भुजाएं आमने सामने वाली बराबर हो गई और ये दो भुजाएं आमने सामने वाली बराबर हो गई। तो इससे क्या है कि एस आर हम लिख सकते हैं कि एस आर बराबर पी क्यू। ठीक, और आर क्यू बराबर एस पी, अंत सिद्ध हुआ कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। आपने कैसे लिखना है, यहाँ पर लिखना है अंत सिद्ध हुआ कि उसके बाद ये वाली पूरी लाइन लिख दो। ठीक है, क्योंकि ठीक है इसकी चारों भुजाएं जो है सम्मुख भुजाएं हैं एक दूसरे के बराबर है। तो ऐसे में इसका ये वाला वीडियो भी बढ़िया लग रही है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई तरीका है भीख मांगने का?